सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वनीला आइस केक बनाना बताऊंगी जो कि फ्लैग डिज़ाइन का है। अगर आप भी ऐसा केक बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करें। वनीला आइस केक बनाने के लिए अंडे मैंने लिए हैं 4 अदद। ये अंडे मैंने रूम टेम्परेचर लिए हैं। आप जब भी आइस केक बनाएं तो फ्रिज के अंडों का इस्तेमाल ना करें। मैदा लिया है 1 कप। 1/4 कप मैंने यहाँ चीनी ली है। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच और वनीला एसेंस में लूँगी 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले मैं यहाँ अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लूँगी। जर्दी अलग करने के बाद मैं सफ़ेदी को बीट कर लूँगी। सफ़ेदी को बीट करने के दरमियान मैं इसमें आधी आधी करके चीनी डालूँगी और इसे कंटिन्यू बीट करूँगी। ये देखिए अंडों की सफ़ेदी क्रीमी सी हो गई है। अब मैं इसमें जर्दी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मैं बीट कर लूंगी। अंडे हमारे अच्छी तरह से बीट हो गए हैं, फुल क्रीमी से हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी। वनीला एसेंस डालने के बाद इसे थोड़ा सा और बीट करूंगी। अंडे हमारे फुल क्रीमी हो गए हैं। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी। अब एक छन्ना लेके मैदा और बेकिंग पाउडर को मैं छान लूंगी। मैं अंडे के मिक्सचर में ही छानूंगी लेकिन मैं सारा इकट्ठा नहीं डालूंगी, मैं 2 हिस्सों में डालूंगी। आप जब भी बनाएं तो एकदम नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें या 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालें। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसे फोल्ड करूंगी, इसे मैं मिक्स नहीं करूंगी। आप जब भी केक बनाएं तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से फोल्ड करें स्पैचुला की मदद से। अगर आप इसे मिक्स कर देंगे तो आपका केक फूलेगा नहीं। अब जो बाकी का मैदा बचा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और फोल्ड करूंगी। तो ये हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ चकोर मोल्ड लूँगी और मोल्ड को मैं ग्रीस कर लूँगी ब्रश की मदद से। ग्रीस करने के बाद मैं मैदे का डस्ट करूँगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर लगा दें। केक मैं ओवन में नहीं बना रही, मैं पतीले में बना रही हूँ। तो पतीले को मैंने 15 मिनट के लिए फुल आँच पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं केक का सारा बैटर मोल्ड में डाल दूंगी।
अब मैं इसे हाथों की मदद से सेट करूंगी ताकि हर तरफ से इक्वल हो जाए। पतीले को मैंने तेज आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है 15 मिनट के लिए। अब मैं केक को बेक करने के लिए रख रही हूँ। अब मैं केक को बेक करूँगी और मैं आंच को बिल्कुल अब स्लो कर दूँगी। और मैंने नीचे स्टैंड रखा है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो सिल्वर की कटोरी उल्टी करके रख दें। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रखकर उसके ऊपर अपना मोल्ड रखें। केक को मैंने 45 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच पर रखा था। केक बेक हो गया है। आप जब भी पतीले में केक बनाएं तो ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करें और आधे घंटे तक बिल्कुल भी ढक्कन उठाकर ना देखें, वरना आपका केक फूलेगा नहीं। जब आधा घंटा गुजर जाए फिर टूथपिक की मदद से उसे चेक करके देखें केक बेक हो गया है। लेकिन बेहतर यही है कि आप 45 मिनट तक बिल्कुल भी ढक्कन उठाकर ना देखें। 45 मिनट में आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाता है पतीले में। ये देखें, केक को मैंने एक ट्रे में निकाल दिया है और केक का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और ये देखिए कितना अच्छा फूला है, ना कहीं से ज़्यादा है ना कहीं से कम है, बिल्कुल इक्वल फूला है। अब मैं इसे एक छुरी की मदद से बीच में से काट दूंगी। काटने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो देखिए स्पंज हमारा कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं केक की क्रीम को बीट कर लूँगी। मैंने यहाँ सुपर स्वीटेड विप क्रीम ली है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, विपी विप ले सकते हैं, कोई सी भी क्रीम आप ले सकते हैं केक की। क्रीम एकदम चिल है और क्रीम को मैं बीट करूँगी। आप अगर क्रीम को बीट करें तो नीचे बर्फ़ का बर्तन रख दें ताकि क्रीम ठंडी रहे। क्रीम मैंने फ्रीज़र से निकाली है, ये ऑलरेडी ठंडी है बहुत, इसलिए मैंने इसके नीचे बर्फ़ का बर्तन नहीं रखा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नीचे रख लें, इससे ये कि क्रीम अच्छी बीट होगी। क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं केक की डेकोरेशन कर लूँगी। ये कुछ पाइनएप्पल हैं और ये पाइनएप्पल सिरप है और ये मेरे पास मोती हैं सिल्वर कलर के। ये देखें, केक को मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर लिया है। अब मैं पहले वाले हिस्से में पाइनएप्पल सिरप लगाऊँगी चम्मच की मदद से। पाइनएप्पल सिरप डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी। अब मैं एक नाइफ की मदद से इसे स्प्रेड कर दूंगी। क्रीम लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल डालूंगी। पाइनएप्पल को मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सारे पाइनएप्पल मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए सारे पाइनएप्पल मैंने क्रीम के ऊपर डाल दिए। अब मैं केक के दूसरे हिस्से में पाइनएप्पल सिरप डालूंगी। सिरप डालने के बाद अब मैं ये केक का पीस ऊपर रख दूंगी। अब मैं बचा हुआ सिरप केक के ऊपर डाल दूंगी। अब मैं केक के ऊपर क्रीम लगाऊंगी। केक के ऊपर मैंने फ्लैग बनाना है, इसलिए मैंने क्रीम बहुत रफ लगाई है।
अब मैं पाइपिंग बैग से केक के ऊपर डेकोरेट कर लूँगी। यहाँ मैं ये वाला नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ केक की डेकोरेशन के लिए। पाइपिंग बैग के अंदर मैं बीट की हुई क्रीम डालूँगी और केक को डेकोरेट कर लूँगी। वाइट क्रीम की मदद से पहले मैं झंडे का वाइट पार्ट डेकोरेट कर लूँगी। अब मैं बची हुई क्रीम में ग्रीन कलर डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। क्रीम में ग्रीन कलर डालने के बाद मैं पाइपिंग बैग में भर लूंगी और ग्रीन कलर से इसे डेकोरेट करूंगी। डेकोरेशन तकरीबन हमारी डन हो गई है। ये देखिए ऊपर से मैंने मुकम्मल डेकोरेट कर लिया है। अब मैं साइडें करूंगी। क्रीम से डेकोरेट करने के बाद अब मैं मोतियों से डेकोरेट कर लूँगी। तो यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही खूबसूरत केक तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे इसी मेथड को फॉलो करें, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे तमाम देखने वालों को जश्न-ए-आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।